एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी 11 बज गया है और आज है वेडनेसडे और तारीख है 13th मई। मैं हमेशा दिन और तारीख बताना भूल जाती हूँ, तो आज सोच कर रखा था नहीं, आज दिन और तारीख जरूर बताऊंगी। तो वहाँ हमारा किचन में काम हो रहा है आरओ का, क्योंकि आरओ का जो स्विच होता है ना, उसमें से दो स्विच खराब हो गए थे। चल रहा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया। वैसे देखा जाए तो इंसान भी मर जाते हैं और ये तो मशीन है, तो ऐसा होता है। इसीलिए आज उसे ठीक कराने के लिए उन्हें बुलाया है। वैसे इस टाइम तो बाहर से किसी को भी घर में घुसाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वरना पीने का पानी कहाँ से निकालेंगे। तो इसीलिए मजबूरी में ये काम करना पड़ा। और बाहर ना बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है और अभी तक मैं अपना कुकिंग स्टार्ट नहीं किया है। लंच बनाऊंगी, पता नहीं वो काम ख़त्म होते होते कितना टाइम लग जाएगा। अभी 11 बज गया है, शायद 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा। तो आज वेडनेसडे है, मेरे हस्बैंड चिकन लेकर आए थे, सोच रही थी चिकन बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन शायद आज ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो काम ख़त्म होते होते 12 या 12:30 हो जाएगा। तो बिरयानी बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आज नहीं बना पाऊँगी। सिंपल सा चिकन करी बना लूँगी और उसके साथ राइस बना लूँगी। और पहले तो किचन को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि आरओ का काम होते होते किचन थोड़ा सा मैसी हो गया है। पहले उसे ठीक से साफ करूँगी और उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करूँगी। और इतनी गर्मी में ज़्यादा टाइम किचन में काम करने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मन करता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके जाकर पंखे या एसी के नीचे थोड़ी देर बैठ जाऊं। तो क्या करें, साल भर तो जैसे तैसे किचन में काम कर लेते हैं, लेकिन गर्मी के टाइम ना किचन में काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो क्या करें, खाना तो बनाना पड़ेगा ना। चलिए मैं अभी किचन में जाऊंगी, देखूंगी आरओ का काम कहाँ तक गया और कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद मैं किचन को साफ करके कुकिंग स्टार्ट करूंगी। तो चलिए मैं बाद में आप सबके साथ बात करती हूँ। तो अभी तो वो चले गए हैं और मैं किचन को साफ करके यहाँ चावल को चढ़ा दिया है। और ये देखिए, ये जो स्विच है ना आरओ का, ये वाला स्विच, ये और ये दोनों स्विच काम नहीं कर रहे थे, तो इसे ठीक कराया गया। तो अभी तो ये चल रहा है, पता नहीं कितने दिनों के बाद फिर से ये खराब हो जाएगा। मशीन की चीज है ना, इन पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तो चलिए मैं अभी प्याज और टमाटर को काट लेती हूँ मसाला के लिए, और उसके बाद मैं कढ़ाई में चिकन बना लूंगी। वैसे चिकन की करी तो मैं सिंपल सा बनाऊंगी, इसीलिए शेयर नहीं करूंगी, थोड़ा सा दिखा दूंगी। तो चलिए पहले मैं प्याज टमाटर को काट लेती हूँ। और बाहर देखिए, कितना ज्यादा धूप है। तो चिकन में डालने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा आलू को भी काट कर रखा हुआ है और साथ ही साथ प्याज और टमाटर को भी काट लूँगी।
मैं यहाँ कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैं यहाँ थोड़ा सा लाई का पापड़ और थोड़ा सा पोहे का पापड़ को फ्राई कर रही हूँ, जिसको मैं गांव से लेकर आया था। मैं तो इसकी रेसिपी आप सबके साथ पहले से ही शेयर कर दिया है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सब भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारा पापड़ को फ्राई करने के बाद मैं अभी उसी सेम कढ़ाई में जो ऑयल था उसमें ये सारे पोटैटोज़ को अभी फ्राई कर लूँगी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी और उसके बाद इसे निकाल दूँगी और इसी सेम कढ़ाई में मैं चिकन करी बनाऊँगी। तो ये देखिए आलू बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी मैं इसे बाहर निकाल दूंगी और इसी कढ़ाई में मैं मसाला रेडी करूंगी चिकन के लिए। तो मैं यहाँ सिंपल सा चिकन करी बना रही हूँ जैसे सब बनाते हैं, तो इसीलिए पूरा शेयर नहीं करूँगी, थोड़ा सा दिखा दूंगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आप सबके साथ बात करती हूँ। तो यहाँ मेरा नमक ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैं दूसरी कंटेनर में से ये नमक को बाहर निकल रही हूँ। चावल ऑलमोस्ट हो गया है और यहाँ मैं पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है, चिकन में डालूंगी और यहाँ धनिया के पत्ते को काट कर रखा है, थोड़ी देर में चिकन भी बन जाएगा। और ये देखिए ये लाई का पापड़, मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है। आप इस
इसे स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ मेरा चिकन बन रहा है, अभी मैं जाऊंगी बाहर, धूप में जितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं ना उसे थोड़ा उलट पलट करूंगी ताकि वो जल्दी सूख जाए, वरना इतना ज्यादा धूप में अगर बहुत ज्यादा टाइम तक पड़ेगा तो उसका रंग चला जाएगा, तो इसलिए अभी मैं जाऊंगी उसे थोड़ा सा उलट पलट कर लूंगी। तो अभी मैं सीधा आ गई हूँ आफ्टरनून के टाइम में, क्योंकि लंच करने के बाद हम सो गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप हो रहा है तो बिना सोए अच्छा नहीं लगता है। तो अभी आफ्टरनून का 5 बज गया है और मैं उठने के बाद यहाँ दूध को बॉयल करने के लिए रख रही हूँ और साथ ही साथ चाय भी बनाऊँगी, क्योंकि सोकर उठने के बाद आफ्टरनून में चाय पीने का बहुत मन करता है। तो पहले मैं चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी, उसके बाद बाकी जो भी काम है उसे करूँगी। तो चलिए मैं पहले चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर चाय पी रहे हैं और थोड़ा सा बातचीत भी कर रहे हैं, और इसके बाद मैं जाऊंगी जो सारे कपड़ों को मैं धूप से लेकर आया था, बहुत टाइम हो गया, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मैं उसे फोल्ड करके रखूंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ कपड़े फोल्ड करने के लिए, तो पहले मैं ये सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके रख लेती हूँ उसकी सही जगह में। तो घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं अभी आई हूँ बाहर पौधों में पानी डालने के लिए। ये काम तो अभी रोज़ रोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा धूप हो रहा है तो पौधों में पानी ना दे तो ये पौधे सारे मुरझा जाएंगे। और बाहर आप सब देख सकते हैं अभी तो 6 बजने के आसपास हो गया है, लेकिन अभी तक धूप नहीं गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं ही एंड कर लेती हूँ। होपफुली आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।